नमस्कार, आप देख रहे पॉलिटिकल ट्रेंड्स न्यूज। देश भर में भारतीय जनता पार्टी आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। इसे लेकर भाजपा के नेता और कार्यकर्ता कहीं पदयात्रा तो कहीं जुलूस निकालकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक भारत एक श्रेष्ठ भारत के मंत्र पर चल रही है। पीएम मोदी ने वो तीन बातें भी बताई जिनकी वजह से बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस और ज्यादा खास हो गया है। इधर राज्य समेत राजधानी रांची के प्रदेश कार्यालय में भी भाजपा आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भाजपा का झंडा फहराया और सड़कों पर उतर कर कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा कर रांची वासियों को भाजपा के सिद्धांतों से रूबरू कराया। इसके साथ ही मौके पर भाजपा विधायक दल के नेता ने झारखंड वासियों को बधाई दी और कहा कि आज अधिकांश राज्यों में भाजपा की सरकार है और देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने चुनौतियों के सवाल पर कहा, अगर चुनौतियां समाप्त हो जाए तो मनुष्य मुर्दा हो जाएगा, इसलिए चुनौतियां रहनी चाहिए। प्रत्येक योजना आप देखेंगे उसे को ध्यान में रख करके बनाते हैं, देश अपने पैरों पर कैसे खड़े हो। तो मैं कह सकता हूँ कि विचारधारा या काम देश की जनता ने दोनों ही पसंद किया है और भारतीय जनता पार्टी आज देश में भी और देश के कई प्रदेशों में, अधिकांश प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए इससे और दूसरा खुशी का कोई क्षण नहीं हो सकता है, पल नहीं हो सकता है। चुनौती तो रहेगी और चुनौतियां होना भी चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में भी चुनौती होती है, सामाजिक जीवन में भी चुनौती होती है, वैसे ही राष्ट्र के सामने भी चुनौतियां होती है और चुनौतियां रहेगी। कभी भी आप देखेंगे धरती पर बिना चुनौती के कोई भी नहीं रहा है। इसलिए रहा है, अगर चुनौतियां समाप्त हो जाए तो हमें लगता है कि मनुष्य फिर मुर्दा हो जाएंगे। इसलिए चुनौती तो रहती है तो मनुष्य जिंदा रहता है, फिर सोचता है, नए नए आविष्कार भी करता है। ये सारी चीज़ें चुनौतियाँ हैं और चुनौतियों का सामना करना।